हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मैं दुआ करती हूँ आप लोग सब अच्छे से रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा साथ दीजिए थोड़ा ना, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या खाद डाला, क्या क्या मनी प्लांट के अंदर खाद डाला और कैसे ग्रो किया, कौन सा सॉयल लगाया, ये किया और इसको कैसे हम इतना बड़ा किया है, हम आपको बताएंगे। मेरी 6 महीने की 7 महीने की कोशिश है जो मैंने इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड किया है, ये आप लोग देखें। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये इतने बड़े 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 पत्ते हैं, ये देखिए ये, और ये इधर से छोटे जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, अभी तो जाड़े में थोड़े ये डल हो गए थे, इनकी बाढ़ रुक गई थी, इसलिए अब ये ग्रो करेंगे। यहाँ से ये बढ़ेंगे, यहाँ से कली ये ले रही है, अब यहाँ से ये आएंगे। तो ये इतने बड़े बड़े पत्ते जो हुए हैं, इसके रूट्स भी बहुत ज्यादा हैं। ये देखिए दीवार से ये चिपका हुआ है, यहाँ पे रूट्स है इसका। फिर ये देखिए यहाँ पे दीवार से चिपका हुआ है और ये इसका रूट्स पकड़ के दीवार को, इसलिए ये गया है कि इसको जो एक सहारा मिल गया। हाँ, यहाँ पे ये देखिए इतने मोटे इसके रूट्स आए हैं, इसलिए कि इसका जो निकलता है इसको पकड़ लेता है दीवार से, ये पकड़ के भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी जब जाड़ा खत्म हो गया, गर्मी आई है, तो ये ऊपर जाएगा। फिर इसके देखिए आप पत्ते देखिए, हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सब देखिए, इसके अंदर 2-3-4 शेडेड हैं। ये वाइट वाइट भी है, हरा भी है, फिर इसके अंदर लाइट भी है। फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, अगर ये मान लीजिए कि आपके पत्ते कभी काले हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे इसको ऐसे हम ऐसे, अब ये देखिए जैसे ये थोड़ा सा काला पड़ गया है, तो अगर इसको हम नहीं कट करेंगे तो ये ज्यादातर पूरे पत्तों को खराब कर देगा, इसलिए इसको मैं कट करती हूँ। फिर यहाँ से इसको मैं ऐसे कट करती हूँ। पहले भी मैंने ये सब कट कर दिया था जाड़े के अंदर, इसलिए कि अगर इसको नहीं मैं कट करती तो ये इसका जो कालापन होता है, ये जो बढ़ता जाता पत्ता को खराब करते जाता, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ये छेद हुआ है, अभी हम इससे जो है कि फंगस की जो है कि वो डालेंगे। ये भी देखिए मैं ऐसे कट करती हूँ, ये देखिए पत्ते, ये देखिए। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगेगा और बिल्कुल हमारे चैनल को जरा आप लोग जो है लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, इसलिए कि जब आप लोग हौसला देंगे तो आगे मामला बढ़ता रहेगा। ये देखिए, फिर यहाँ से देखिए ये नई रूट्स आ रही है, ये देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए, ये एक ये नया पत्ता निकला अभी 2-4-5 दिन से। ये देखिए, पहले मैंने डोरी से इसको लगाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टिक लगी हुई है, छोटी लगाया मैंने, छोटी सी स्टिक लगाया था ये, इसलिए कि बहुत ज्यादा स्टिक नहीं लगाया, इसलिए छोटी स्टिक लगाया था। छोटी स्टिक से उसके बाद मैंने दीवार पे इसको पकड़ा दिया। अब ये इसके सहारे गया, ये खुद ब खुद रूट पकड़ लेता है दीवार में, दीवार में पकड़ के ये चढ़ते चले जाता है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, फिर मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। देखिए एक ये पत्ती का थोड़ा सा काला हो रहा है, मैं इसको कट करती हूँ, मैं इसको कट करती हूँ। अब ये देखिए यहाँ मेरे मनी प्लांट के बड़े बड़े पत्ते होने की, बड़े बड़े पत्ते होने की एक ये भी वजह है, मतलब मेरे फ्रेंड्स हो कि यहाँ से जो है कि ये इसने जो दीवार में पकड़ी हुई है, तो दीवार में जब पकड़ लेता है तो इसको दीवार से नमी मिलती है, जब नमी मिलती है तो ये आगे ऊपर जाता जाएगा और इसके पत्ते बड़े होते जाएंगे। अब नीचे देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने लगाया है, जब इसकी देखिए ये रूट्स बाहर आ रहे हैं, अब इसको हम नेक्स्ट उसमें पॉट में, चलिए ये देखिए इसकी रूट्स सब बाहर आ रही है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगी कि दूसरे में रिपोर्ट करूंगी। इसलिए जब इसकी मिट्टी हो जाती है, देखिए इसके अंदर बालू है और काउडन है और थोड़ा सा जो है कोको पीट है, इसको मॉइस्चराइज तो बहुत पसंद है, लेकिन जब तक ये मिट्टी ड्राई ना हो जाए, मैंने कल पानी डाला था इसमें, इसलिए थोड़ा सा ये है। उसके बाद ये देखिए इधर ये सब, एक ये भी मेरा मनी प्लांट है, अभी शुरू शुरू में लिया है, ब्लैक कलर का, अभी ये जा रहा है, अभी तक कोई खास इसका वो नहीं है, लेकिन ये जो है जब इसके अंदर जो नमी हो जाए तब इसके अंदर मैं बताती हूँ। फिर इसको हम बचा के करते हैं कि इसके रूट्स ना कटे खुरपी से। जब इसके मिट्टी जब इसकी भुरभुरी हो जाए, अभी अभी तो मैंने कल पानी थोड़ा डाला था, फिर इसका जो
पानी को ड्रेन होना चाहिए। जब यहाँ पे मैं डालती हूँ पानी, अच्छे से भरती हूँ एक दिन 5-6 दिन में, तो पानी ड्रेन होके चला जाता है ये प्लेट में। जब प्लेट में जाता है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको जब जब चाहिए वो पानी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है। उसके बाद अगर उसको नहलाना होता है, इन लोगों को शावर बहुत पसंद है, तो इसलिए अब देखिए मैं इस पर शावर करके दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इसको शावर करती हूँ। वैसे इसको एक दिन के नागे पर या एक दिन इसको हम ज़रूर शावर देते हैं, इसलिए कि इन लोगों को नहाना बहुत पसंद है। ये लोग जब नहाते रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, पत्तियों के अंदर चमक आती है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सी चमक लाना है, जरा सा अभी बगल में मकान बन रहा है इसलिए ज़रा गर्दा उर्दा आ रहा है, वरना एक बूंद नारियल का तेल डाल दीजिए, उससे इसकी अच्छी खासी चमक आती है। और इसकी खाद में और भी कीड़े मकोड़े ना लगे और अच्छा ग्रोथ दे, तो एक चम्मच जो है आप हल्दी, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, हल्दी को पानी में घोल के या तो आप शावर करा दीजिए या तो आप इसके यहाँ पे आप डाल दीजिए, यहाँ पे जड़ में डाल दीजिए, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत खुश रहता है। इसलिए देखिए तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग पसंद करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। थोड़ा सा गला फंस गया आज का हमारा, इसलिए हम कह रहे हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों से। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।